हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के बारे में। तो यहां पर ये मेरे पास रेडमी नोट 5 प्रो है जिसमें कि मैंने आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इनेबल करके दिखाया था कुछ दिनों पहले वीडियो मैंने बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, जाके आप अपने Redmi Note 5 Pro में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को इनेबल कर सकते हो। लेकिन जो वीडियो बनाए थे यार, उसमें बहुत सारे लोगों ने पूछा भाई Redmi 6A डिवाइस के लिए बताओ और Redmi 5A डिवाइस के लिए भी बताओ। तो मेरे पास ये Redmi 5A डिवाइस और Redmi 6A डिवाइस दोनों में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सही तरह से वर्क कर रहा है, अब आप देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप विदाउट रूट विदाउट TDP रिकवरी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को MIUI 10 में कैसे इनेबल कर सकते हो। तो बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को पूरा वॉच करना है। वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि यार जब आप वीडियो को लाइक करते हो तो मुझे इससे ये पता चलता है कि आपको इस टाइप का वीडियो अच्छा लगा है, मैं इस टाइप की और वीडियोस लाऊं। तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक करना अगर वीडियो अच्छी लगती है। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। और वीडियो स्टार्ट करने से एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जाके ज्वाइन कर लो। यहाँ पर चैट्स वगैरह होती रहती है, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी MIUI 11 के अपडेट्स के बारे में और बहुत सारे अदर इन्फॉर्मेशन भी आपको इसमें मिलती रहती है। तो चलिए यार बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप देख सकते हो ये मेरा Redmi 5A डिवाइस जिसमें कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बिल्कुल सही तरह से वर्क कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो इसको हम साइड में रखते हैं। ये हमारा Redmi 6A डिवाइस जिसमें कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सही तरह से वर्क कर रहा है। डबल टैप करेंगे हमारा जो डिस्प्ले वो चालू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम बात करें सेटिंग में जाके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको कोई भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा, ना ही डिस्प्ले में ना ही कहीं। तो MIUI 11 में बताया जा रहा था कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आएगा, लेकिन आया नहीं फीचर, क्योंकि जो AMOLED डिस्प्ले सपोर्ट करते हैं उन्हीं डिवाइस में ये फीचर सपोर्ट करता है, बाकी किसी भी डिवाइस में ये सपोर्ट नहीं करता। लेकिन भाई कुछ लोग हैं जिसको भाई ये तरीका मिल चुका कि इसको इनेबल कैसे करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरा Redmi 5A डिवाइस जिसमें मैं MIUI 11 वर्जन यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है MIUI 11.0.2.0, इसमें भी मैंने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को इनेबल किया हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे मैं फोन को ऑफ कर देता हूँ 1 से 2 सेकंड बाद जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बिल्कुल सही तरह से वर्क करने लगता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये Redmi 6A डिवाइस है, यहाँ पर डबल टैप करके मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। मैं इसमें MIUI 10 ही यूज कर रहा हूँ क्योंकि यार अभी मेरे को MIUI 11 का वीडियो बनाना था। यहाँ पर आप देखिए 10.3.6.0 कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, आप जाके भाई यहाँ पर 10 में भी यूज़ कर सकते हो और यहाँ पर 11 में भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ भाई, ये जो चीज़ है ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, ये आपको ऑफिशियल जो MIUI 11 में देखने को मिला था इस टाइप का, ये आपको नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो सपोर्टेड है वो ओनली फॉर एंड्रॉयड पाई वाले अपडेट के लिए है। जिस डिवाइस में एंड्रॉयड पाई का अपडेट है उसके लिए सपोर्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। हमारे Redmi 6A डिवाइस में करता है, लेकिन भाई यार मैंने इसको कोशिश करी इनेबल करने की, बट ये इनेबल नहीं हुआ। तो मैंने कुछ अलग मेथड से इसको इनेबल किया। पहले यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह से UI वगैरह देखने को मिलते हैं इतने सारे। तो ये है जो ऑफिशियल MIUI 11 का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, लेकिन भाई इसको हम रख देते साइड में क्योंकि यार ये चीज़ जो हमारे डिवाइस में इनेबल नहीं होगी। तो मैंने एक तरीका ढूंढा जिससे कि हमारे डिवाइस में भाई MIUI 11 ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यहाँ पर सही तरह से वर्क करे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो एप्लीकेशन मैंने इसमें डाला हुआ है, इसी एप्लीकेशन की मदद से ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बिल्कुल सही तरह से वर्क कर रहा है। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जाके डाउनलोड कर लेना। कोई भी डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होती है टेलीग्राम ग्रुप में यार बहुत सारे लोग मिलेंगे, आपको बता देंगे कि किस तरह डाउनलोड करना है, वरना मैंने भी एक वीडियो डाली हुई इस पर शॉर्ट वीडियो जिस तरह आपको डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर आप जैसे इसको ओपन करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टाइल वगैरह देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आप जैसे इस टाइप के भी आपको स्टाइल वगैरह देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफी अच्छे फीचर हमें देखने में मिलता है। तो आपको जो मन में आप इस टाइप की ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को लगा सकते हो। अगर आप चाहते हो भाई जो MIUI का 11 का ऑफिशियल है वो हम इनेबल करें अपने डिवाइस में, तो भाई वो भाई बिल्कुल नहीं हो सकता हमारे Redmi 5A या Redmi 6A डिवाइस में। 6A में हो सकता है बट मैंने भाई बहुत ट्राई किया अभी हुआ नहीं, लेकिन Redmi 5A डिवाइस में नहीं होगा। जब भी ऑफिशियल वाला इनेबल हो जाएगा वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ही चाहिए तो भाई आप इस वाले मेथड को यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आप जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पर सेलेक्ट स्टाइल, जैसे मैं पावर यहाँ पर बटन को दबाऊंगा और यहाँ पर आप देखते ये बिल्कुल सही तरह से वर्क करना स्टार्ट कर देता है, जो कि काफ़ी अच्छा देखने में लगता है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इसमें काफ़ी ज़्यादा सेटिंग आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देखते एज कर्व भी है, यहाँ पर जैसे भी इसको चालू कर देंगे अब क्या होगा, जो आपका एज लाइटिंग है वो भी चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखते कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा एज लाइटिंग की थोड़ी सेटिंग करनी पड़ेगी जब जाके चालू होगा। यहाँ पर देख सकते काफ़ी ज़्यादा सेटिंग है, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। जो मेन टॉपिक था हमारा था वो यहाँ पर था
ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर के। तो यहाँ पर जैसे तो काफ़ी ज़्यादा अलग अलग आपको यूनिक टाइप के देखने को मिलेंगे स्टाइल वगैरह। तो यहाँ पर आपको इसमें तो भाई कुछ इस टाइप के देखने को मिलते थे, तो यार इसको आप भूल जाओ कि ये आपको देखने को मिलेगा। आपको इसी टाइप से यूज़ करना है तो आप इस टाइप से यूज़ कर सकते हो। आप देखिए तो कितना अच्छी तरीके से मिल रहा है। यहाँ पर अभी आपको ब्राइटनेस थोड़ी सी ज़्यादा लग रही होगी, तो इसमें एक ब्राइटनेस का ऑप्शन होता है। बहुत सारी सेटिंग आप इसको यूज़ करना चाहोगे तो इसमें बहुत सारी सेटिंग आपको देखने को मिलेगी। तो मैं ज़्यादा लंबी वीडियो देगी इस वजह से बस मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि इसको इंस्टॉल कैसे करें। तो यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल सही तरह से वर्क कर रहा है। ये मेरा Redmi 5A डिवाइस, इसको अब हम साइड में रख देते हैं। और यहाँ पर आप देखिए तो ये मेरा Redmi 6A डिवाइस में भी बिल्कुल सही तरह से वर्क कर रहा है। तो आप जाकर इसको डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करो और इंस्टॉल करो, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे इसको इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर आप देखिए इसमें भी आप जाकर चेंज वगैरह कर सकते हो। तो अभी मैं इसको करता हूँ अनइंस्टॉल, और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ इसको इंस्टॉल कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है, वरना बाद में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर हम चलते हैं फाइल मैनेजर में, तो फाइल मैनेजर में जाने के बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ एप्लीकेशन कहाँ है, वो जो मैंने अभी डाला हुआ था। एप्लीकेशन में हम जाएंगे यहाँ पर, तो ये रहा मेरा एमलॉइड वाला एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन आपको भाई प्ले स्टोर पर भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसमें आपको पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन ये जो मेरा एप्लीकेशन है ये बिल्कुल फ्री वाला है, इसमें आपको कोई भी पैसे देने नहीं पड़ेंगे। सिंपली इंस्टॉल पर क्लिक करना, इंस्टॉल जैसे ही हो जाता है 1 से 2 सेकंड लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड लेगा और ये इंस्टॉल होएगा। जैसे इंस्टॉल हो जाता है हम कर देते होम पे, ये अब हमारा आ चुका है। यहाँ पर हम जैसे इसको ओपन करेंगे कुछ इस तरह से आपको आएगा। तो सिंपली आपको अलाउ पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको परमिशन दे देनी है। परमिशन देने के बाद भाई आपको 3-4 परमिशन देनी पड़ेंगी। सारी परमिशन देने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाना है। जहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक और लास्ट है, यहाँ पर एक लास्ट और परमिशन है नोटिफिकेशन की। जब भी नोटिफिकेशन आएगा तब भी आपकी यहाँ पर ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वर्क करेगा। अब यहाँ पर आपको टिक कर देना, टिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सट्रैप पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको फेसिस में जाना, जो भी आपको यहाँ पर अच्छा लगता है, मान लीजिए मेरे को ये लगता है, तो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। और यहाँ पर आप इसके फॉन्ट साइज को भी चेंज कर सकते हो। तो मैं सैमसंग वाला लगा के आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे मैं अपने डिस्प्ले को यहाँ पर ऑफ करूँगा और ये जो बिल्कुल सही तरह से वर्क करना स्टार्ट कर देगा। अभी आप देख सकते हो ब्राइटनेस कितनी कम है, डबल टैप करके आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है। आपके फोन पासवर्ड होगा तो पासवर्ड मांगेगा, यहाँ पर ब्राइटनेस मोड लेगा, सिंपली इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आप इसकी ब्राइटनेस को भी बढ़ा सकते हो और यहाँ पर इसको भी यूज़ कर सकते हो। तो यही था कुछ, अगर आपको ये एमोलेड डिस्प्ले यूज़ करना ऑलवेज ऑन डिस्प्ले तो आप इस टाइप से अपने Redmi 6A और Redmi 5A डिवाइस में इसको इंस्टॉल कर सकते हो। आई होप आपको ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, छोटी सी वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना। इसी तरह वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।